हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लर्निंग लाइसेंस। अभी परिवहन ने सब कुछ ऑनलाइन किया है, तो आज हम लोग ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वो देखेंगे। ये है वेबसाइट parivahan.gov.in। अपना स्टेट चुने, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन आएगा। यहाँ है न्यू लर्निंग लाइसेंस एंड न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब जो हम पक्का करते हैं वो, और लर्निंग लाइसेंस मीन्स ड्राइव पक्का करने के पहले हमें लर्निंग लाइसेंस लेना पड़े। तो क्लिक ऑन न्यू लर्निंग लाइसेंस। तो ये पांच स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एलएल टेस्ट, स्लॉट बुकिंग। सो कंटिन्यू। ये पेज पे इफ यू डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस देन क्लिक ऑन दिस। अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हो तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ फिल करने हैं। ओके, तो मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं यहाँ सबमिट करूँगा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। ओके, ये फॉर्म आएगा, ये फॉर्म हमें पूरा फिल करना है। यह अपना स्टेट डाले, कौन सा आरटीओ के लिए हमें एप्लीकेशन करना है। अभी मुझे थाना है तो मैं थाने सिलेक्ट करूँगा या कल्याण सिलेक्ट करूँगा। Name of applicant to be printed on smart. दोस्तों, यहाँ मैंने आपका टाइम थोड़ा बचाया है। मैंने लगभग ये फॉर्म फिल किया है। यहाँ नाम, एप्लीकेंट का नाम डालना है, रिलेशन जो भी है, फादर मदर या हस्बैंड जो भी है, तो मैंने फादर का डाला है, तो उनका नाम पूरा लिखो। आपको अगर आधार नंबर डालना है तो आधार नंबर डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे ये रेड स्टार है वो मैंडेटरी फिल आपको करना है। तो फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, अभी ये जो आप नाम दोगे वही आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आएगा। तो जेंडर आप सिलेक्ट करो, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली एज इधर शो होगा। ओके, यहाँ अपना मोबाइल नंबर सही सही डाल दो, यहाँ मैंने ऐसे ही डाला है। और यहाँ अपना एड्रेस डाल दो, जो भी एड्रेस ये आपको प्रॉपर डालना है, मतलब जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ रहेगा वो। तो और इस पर टिक करोगे तो सेम एज कॉपी हो जाएगा और सेम एड्रेस होगा दोनों भी, आपका परमानेंट भी और प्रेजेंट भी। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस का कैटेगरी है। अभी इसमें मोटरसाइकिल लेस देन 50 cc का है, सब कुछ है इसमें, नॉन गियर, गियर बाइक, मोटरसाइकिल का है, फिर ये थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब कुछ है। तो हम लोग LVM लाइट वेट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसको टिक करोगे तो ये सिलेक्टेड में आ जाएगा। और इसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। यस, ये आपको एक बार फिर से पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डेटा, तो ओके करना है आपको। यस, तो ये आपका ऐसा एक्नॉलेज रिसिप्ट मिलेगा, बट आपको अभी इधर प्रिंट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। ओके, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट था वो इधर है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट,
इधर आपको और भी कुछ पेंडिंग थिंग्स है जो आपको कंप्लीट करना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप यहाँ टिक करके एक प्रोसेस करो और फिर उधर आपको डॉक्यूमेंट के लिए पूछेगा। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स में से आपको सिलेक्ट करना है क्या जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ है, वो एज प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ। अभी मैं कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या एलआईसी पॉलिसी या आधार कार्ड। ओके ठीक है, तो मैं आधार कार्ड के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। आने के बाद यहाँ आपको क्लिक करके फाइल चूज करना है जहाँ पे आपने रखा है। ये देखो यहाँ आप एक नो है वो ध्यान से पढ़ो, आपका जो फाइल साइज है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फाइल टाइप है जेपीजी और पीडीएफ, इन तीनों में से ही एक फाइल होना चाहिए। तो यहाँ मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रखा है, तो ये पीडीएफ फाइल है, ये इधर आ गया। उसके बाद आपको अपलोड करना है। और एक डॉक्यूमेंट हो गया, बाद में आपको एज प्रूफ भी देना है। तो इसमें से आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो। तो मैं पासपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ। और इसमें से पासपोर्ट में यहाँ सिलेक्ट करूँगा। ये होने के बाद ए जे पी जी फाइल है तो ये अपलोड हो जाएगा। और इसने एरर दिया है, लेट मी चेक एरर गिव है। सी ये क्लियर हो गया। देखो ये मेरे दो प्रूफ तो इधर आ गए, अभी और एक मैंने लास्ट वाला डाला है, उसको ये अपलोड करने के बाद यह आपको कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद आपको जो भी आपने अटैच अपलोड किया है वो सब आपको यहाँ दिखेगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यस, ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल पे आपको एप्लीकेशन नंबर का एसएमएस आया होगा। ये ऐप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको प्रिंट करके साथ में लेके जाना है, जो और उसके साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो, और ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको आरटीओ में लेके जाना है टू अप्लाई लर्निंग लाइसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बाकी रह गया दोस्तों, ये एलएल स्लॉट बुक, आपको इसके लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तो ये स्लॉट बुकिंग के लिए आप प्रोसेस कर सकते हो। और ये है स्लॉट बुकिंग के लिए, जो भी ग्रीन दिख रहा है वो स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल है, रेड है वो स्लॉट बुक्ड है, और ये ब्लू है वो हॉलीडेज है। तो ये 11 तारीख का मुझे दिख रहा है, तो आई एम गोइंग टू बुक दिस। टाइमिंग भी आपको सिलेक्ट करना है, कौन से टाइम पे आपको आप जा सकते हो। तो ये हो गया मेरा स्लॉट बुक, स्लॉट बुकिंग हो गया। ये इट्स लाइक अपॉइंटमेंट, आपको यही टाइम पे जाना है, यही डेट पे जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक।